जीवन का स्रोत जीवन, सातवां प्रातःकालीन भ्रमण। यह संवाद लॉस एंजलिस के निकट प्रशांत महासागर के तट पर 8 मई 1973 के दिन ध्वनि मुद्रित किया गया था। श्रील प्रभुपाद के साथ डॉक्टर सिंह और अन्य अनुयायीगण हैं। ठग और ठगे गए लोग। श्रील प्रभुपाद प्राकृतिक क्रियाएं जैसे गुरुत्वाकर्षण या भारहीनता अचिंत्य शक्ति है, और वास्तविक विज्ञान का अर्थ है इस अचिंत्य शक्ति को समझना। समय के किसी एक बिंदु से घटनाओं की श्रृंखला का अवलोकन करना अवैज्ञानिक है और इससे अपूर्ण ज्ञान ही प्राप्त होगा। हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि सब कुछ कहाँ से प्रारंभ होता है। यदि हम अपनी खोज काफ़ी दूर तक ले जाएं तो हमें पता लगेगा कि इस प्रकृति का मूल अचिंत्य शक्ति है। उदाहरणार्थ बुद्धिबल, ब्रश और रंग के सहारे हम एक फूल का चित्र बना सकते हैं, किंतु हम लोग यह कल्पना नहीं कर सकते कि संपूर्ण पृथ्वी पर पौधे स्वतः कैसे उगते हैं और फल देते हैं। हम चित्रित फूल को समझा सकते हैं, किंतु वास्तविक फूल की व्याख्या हम नहीं कर सकते। वैज्ञानिक जैविक उत्पत्ति को वास्तव में समझा नहीं सकते। वे लोग मात्र शब्दों के मायाजाल रचते हैं, जैसे अणु और गुणसूत्र आदि, किंतु वे लोग इस प्रक्रिया को वास्तव में नहीं समझा सकते। तथाकथित वैज्ञानिकों की अनिवार्य भूल तो यह है कि अपने निष्कर्ष तक पहुंचने की दिशा में उन्होंने आगमनात्मक प्रक्रिया अपनाई है। उदाहरण के लिए, यदि एक वैज्ञानिक आगमनात्मक प्रक्रिया से यह निश्चय करना चाहता है कि मनुष्य मृत्यु है अथवा नहीं, तो उसे प्रत्येक मानव का अध्ययन करना होगा और इस बात का पता लगाना होगा कि क्या कुछ लोग या उनमें से एक भी व्यक्ति अमर है। वैज्ञानिक कहता है, मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता कि सभी मनुष्य मृत्यु हैं। ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जो अमर हों। मैंने अभी तक सारे मनुष्यों को नहीं देखा है, अतः मैं यह कैसे स्वीकार कर सकता हूँ कि मनुष्य मरणशील है। यही आगमनात्मक प्रक्रिया कही जाती है। और निगमनात्मक प्रक्रिया का अर्थ यह है कि आपके पिता, शिक्षक अथवा गुरु कहते हैं कि मनुष्य मृत्यु है और आप उसे मान लेते हैं। डॉक्टर सिंह, तब तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक आरोहण प्रक्रिया है और एक अवरोहण प्रक्रिया है। श्रील प्रभुपाद, हाँ, आरोहण प्रक्रिया कभी भी सफल नहीं होगी, क्योंकि इसका आधार है इंद्रिय ज्ञान के द्वारा एकत्रित जानकारी, और इंद्रियां अपूर्ण हैं। इसलिए हम अवरोहण प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं। ईश्वर आगमनात्मक प्रक्रिया के द्वारा नहीं जाने जा सकते, इसलिए उन्हें अधोक्षज कहा जाता है, जिसका अर्थ है सीधे अनुभव के आधार पर न जानने योग्य। वैज्ञानिक कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि वे लोग ईश्वर को सीधे अनुभव के आधार पर जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु प्रभु तो अधोक्षज हैं। अतः वैज्ञानिक ईश्वर के विषय में अज्ञानी हैं, क्योंकि उन्हें जानने के लिए उपयुक्त मार्ग को वे चूक रहे हैं। आध्यात्मिक विकास को समझने के लिए मनुष्य को प्रमाणिक गुरु के पास जाना होगा, समर्पण भाव से उनकी बातें सुननी होंगी और सेवा करनी होगी। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में व्याख्या करते हैं, तद विधि प्राणी पाते न परिप्रश्ने न सेवया। मेरे गुरु महाराज ने एक बार कहा था, आधुनिक जगत ठगों और ठगे गए लोगों का समाज है। दुर्भाग्यवश ठगे गए लोग ठगों का गुणगान कर रहे हैं और छोटे ठग बड़े ठगों की पूजा कर रहे हैं। मान लो कि गधों का एक झुंड आकर मेरी प्रशंसा यह कहकर करने लगे, ओह आप तो जगत गुरु हैं। उनकी इस प्रशंसा का क्या मूल्य है? किंतु एक भला मानव या विद्वान यदि बड़ाई करे तो उसके शब्दों का कुछ मूल्य होगा। प्राय वे लोग जो प्रशंसा कर रहे हैं और जिनकी प्रशंसा की जा रही है, दोनों अज्ञानी हैं, जैसा कि वेद कहते हैं, संस्तुतः पुरुषः पशुः, अर्थात एक छोटा जानवर बड़े जानवर की प्रशंसा कर रहा है। दया भाव। श्रील प्रभुपाद, विधान हमें ठग रहा है, औषधि विज्ञान धोखा दे रहा है और सरकार छल रही है। उच्च सरकारी पदाधिकारियों पर घूस लेने का आरोप लगाया जाता है। यदि राज्यपाल घूस लेता है और पुलिस का सिपाही घूस लेता है, तब अच्छा समाज कहाँ है?
जनता उस नेता का चुनाव करती है जो उसे सुख सुविधा देने का आश्वासन देता है। क्योंकि ऐसा सुख माया है, वह इसे कभी नहीं दे सकता है। और इस प्रकार समाज केवल ठगों से भरता रहता है, क्योंकि लोग वास्तव में इस काल्पनिक सुख के पीछे दौड़ते हैं। इसलिए जैसे भी हों, वे ऐसे चरित्रहीन नेताओं को पुनः चुनते रहते हैं। यह वैष्णव लोगों का धर्म है कि इन सभी अज्ञानी मनुष्यों पर दया भाव रखें। महान वैष्णव प्रहलाद महाराज ने एक बार श्री भगवान से प्रार्थना की थी, हे भगवान, जहाँ तक मेरा संबंध है मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। मेरी अंतरात्मा सदैव आपके शक्तिशाली दिव्य कार्यों में तल्लीन रहती है, अतः मैंने वस्तुओं को स्पष्ट रूप से समझ लिया है। किंतु मैं उन दुष्ट लोगों के बारे में बहुत चिंतित हूँ जो माया के काल्पनिक सुख के पीछे दौड़ने में लगे हुए हैं। वैष्णव सदैव इसी सोच में रहता है कि लोग कैसे सुखी हों। उसे ज्ञात है कि वे व्यर्थ ही ऐसी वस्तुओं के पीछे दौड़ रहे हैं जो कभी उन्हें मिलने वाली नहीं है। 50-60 वर्ष तक लोग काल्पनिक सुख के पीछे दौड़ते हैं, किंतु अपना कार्य पूरा किए बिना अथवा यह जाने बिना कि मृत्यु के बाद क्या होगा, वे मर जाएंगे। वास्तव में उनकी स्थिति पशु जैसी है, क्योंकि उसे भी यह पता नहीं होता कि मरने के बाद क्या होगा। पशु न तो जीवन का मूल्य जानता है, न यह कि वह इस संसार में किस प्रयोजन से आया है। माया के प्रभाव में वह मात्र भोजन करता है, सोता है, संभोग करता है, अपनी रक्षा करता है और मर जाता है, बस यही। अज्ञानी पशु और पशुओं की प्रवृत्ति वाले मनुष्य जीवन भर केवल ये 5 काम ही बड़े परिश्रम के साथ करते हैं, खाना, सोना, संभोग करना, रक्षा करना और मरना। इसलिए वैष्णव का कर्तव्य है कि वह लोगों को शिक्षा दे कि श्री भगवान हैं, हम उनके सेवक हैं और उनके प्रति प्रेम बढ़ाकर तथा उनकी सेवा करके हम शाश्वत आनंद के जीवन का भोग कर सकते हैं। पिंजरे से परे, डॉक्टर सिंह, क्या जीवात्मा जब तक भौतिक प्रकृति में रहता है उसको भौतिक पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती? श्रील प्रभुपाद, नहीं, जीवात्मा शुद्ध रूप से आध्यात्मिक होता है, इसलिए उसको भौतिक पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती। चूंकि उसका चिंतन रुग्ण है, अतः वह सोचता है कि उसे पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। बद्ध जीवात्मा उस शराबी की भांति है जिसे शराब पीने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी वह सोचता है बिना पिए मैं मर जाऊंगा। यही माया है। क्या यह सच है कि यदि शराबी को शराब न मिले तो वह मर जाएगा? डॉक्टर सिंह, नहीं, किंतु व्यक्ति यदि भोजन न करे तो वह मर जाएगा। श्रील प्रभुपाद, यह भी वास्तविकता नहीं है। कल रात हम लोग रघुनाथ दास गोस्वामी की चर्चा कर रहे थे। अपने परिवर्तित जीवन में उन्होंने भोजन, खाना और सोना लगभग पूर्णतः छोड़ दिया था। प्रत्येक तीसरे या चौथे दिन वे केवल थोड़ी सी छाछ पीते थे और दिन में 22 घंटे काम करते थे और 2-3 घंटे सोते थे, और किसी किसी दिन तो वे बिल्कुल ही नहीं सोते थे। आप प्रश्न कर सकते हैं वे कैसे जीवित रहे। वास्तव में वे 100 वर्ष तक जीवित रहे। रघुनाथ दास गोस्वामी के सम्मुख भोजन करने, सोने, संभोग और रक्षा करने की समस्या नहीं थी, फिर भी वे जीवित रहे, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। उन्हें पूर्णतया ज्ञात था कि आत्मा शाश्वत एवं स्वतंत्र है। यद्यपि यह इस शरीर रूपी पिंजरे में बंद है, जिसकी इसको वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है, मानो कि एक पक्षी पिंजरे में बंद है। क्या वह मात्र इसलिए जीवित है कि वह पिंजरे में बंद है? पिंजरे के बिना वह मुक्त है। लोग सोचते हैं कि शरीर रूपी पिंजरे में बंद होने के नाते वे सुखी हैं, किंतु यह मूर्खतापूर्ण है। वस्तुतः हमारा इस शरीर में बंदी होना हमें भयभीत कर देता है, किंतु जो ही हम अपने अस्तित्व को पवित्र बनाते हैं, त्यों ही हमें शरीर के बाहर आने की भी आवश्यकता नहीं रहती। हम तत्काल अभय बन जाएंगे। ब्रह्म भूतः प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। हम लोग तत्काल सचेत होकर अपने मूल आध्यात्मिक अस्तित्व तक पहुंच सकते हैं, जिसमें फिर भय, शोक और भौतिक कामना लेश मात्र भी शेष नहीं रह जाती।
डॉक्टर सिंह, किंतु वैज्ञानिक इसकी कुछ और अधिक व्याख्या की अपेक्षा रखेगा कि जीवात्मा पदार्थ से किस प्रकार सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। श्रीला प्रभुपाद, जब तक आप बद्ध जीव हैं तब तक आप पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। उदाहरणार्थ, अफ्रीका से आया हुआ एक निवासी बद्ध है, क्योंकि वह इस ठंडे मौसम को सहन नहीं कर सकता, इसलिए वह कष्ट अनुभव करता है। किंतु यहाँ पर अनेक व्यक्ति सागर तट पर खेलने वाले बच्चों की ओर संकेत करके ऐसे हैं जो ठंड से अप्रभावित हैं। सहन शक्ति बद्धता पर निर्भर करती है। जब तक आप बद्ध हैं तब तक आप द्वैत की भावना, जैसे गर्मी और ठंड, पीड़ा और आनंद के संदर्भ में सोचते हैं। किंतु जब आप मुक्त हो जाते हैं तब वैसी बद्धता के विचार नहीं रह जाते। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है बंधन से रहित ब्रह्मभूत के स्तर पर आना। यही जीवन की पूर्णता है। बद्ध होने का तात्पर्य है, यद्यपि जीवात्मा शाश्वत है, किंतु बद्धावस्था के कारण वह ऐसा सोचता है कि वह जन्म लेता है, मरता है, रोगग्रस्त होता है और वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। किंतु बंधन से मुक्त व्यक्ति व्रत तक नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण के संबंध में कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आघम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण आयु में सबसे बड़े आदि पुरुष हैं, किंतु उनमें वृद्धावस्था नहीं आती। वे सदैव एक 20 वर्षीय युवक की भांति दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वे पूर्णतः आध्यात्मिक हैं। जीवन का स्रोत जीवन, 8वां प्रातःकालीन भ्रमण। यह संवाद लॉस एंजलिस के निकट प्रशांत महासागर के तट पर 11 मई 1973 के दिन ध्वनि मुद्रित किया गया था। श्रीला प्रभुपाद के साथ डॉक्टर सिंह और अन्य अनुयायीगण चल रहे हैं। चेतना का विकास। डॉक्टर सिंह, श्रीला प्रभुपाद जी, श्रीमद् भगवद गीता में मुझे एक स्थान पर एक कथन मिला कि सभी जीवात्माओं की सारी 84 लाख योनियाँ एक ही साथ रची गई हैं, क्या यह सच है? श्रील प्रभुपाद, हाँ। डॉक्टर सिंह, क्या इसका अर्थ यह है कि कुछ जीवात्माएं ऐसी हैं जो विकासवाद की प्रक्रिया से गुजरे बिना सीधे मनुष्य योनि में आ जाती हैं? श्रील प्रभुपाद, हाँ, जीवात्माएं एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर रूप में प्रवेश करती हैं। शरीर रूप पहले से ही विद्यमान है। जीवात्मा केवल अपने को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित करती है, जैसे एक व्यक्ति एक घर से दूसरे घर में चला जाता है। एक मकान प्रथम श्रेणी का है, दूसरा द्वितीय श्रेणी का और तीसरा तृतीय श्रेणी का। कल्पना करो कि एक व्यक्ति निम्न श्रेणी के मकान से प्रथम श्रेणी के मकान में प्रविष्ट होता है। व्यक्ति वही है, किंतु अब खर्च संबंधी उसकी क्षमता अथवा कर्म के अनुसार वह एक उच्च श्रेणी के घर में रह सकता है। परंतु सच्चे क्रमिक विकास का अर्थ भौतिक विकास नहीं होता, वरन उसका अर्थ है चेतना का विकास। क्या आप समझ रहे हैं? डॉक्टर सिंह, मैं भी ऐसा सोचता हूँ। क्या आपका तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन के किसी निचले स्तर पर गिर जाए तो उसे निश्चय ही एक एक सीढ़ी क्रमशः ऊपर उठना चाहिए? श्रील प्रभुपाद, हाँ, जैसे ही आपको अधिक धन मिलता है आप अच्छे घर में जा सकते हैं। जो भी हो, मकान पहले से ही विद्यमान है। किंतु ऐसा नहीं है कि निम्न श्रेणी का घर उच्च श्रेणी का घर बन जाता है। वह तो डार्विन का मूर्खतापूर्ण सिद्धांत है। वह कहेगा कि घर ही उच्च श्रेणी का हो गया। आधुनिक वैज्ञानिक सोचते हैं कि जीव पदार्थ से उत्पन्न हुआ है। वे कहते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व केवल पदार्थ था, किंतु जीव नहीं था। हम लोग उनकी उस मान्यता को स्वीकार नहीं करते। दो शक्तियों में से जीव और पदार्थ, जीव अर्थात आत्मा मूल उच्च शक्ति है और पदार्थ परिणाम स्वरूप प्राप्त निम्न कोटि की शक्ति है। डॉक्टर सिंह, क्या ये दोनों साथ साथ अस्तित्व में हैं? श्रील प्रभुपाद, हाँ, किंतु आत्मा स्वतंत्र है जबकि पदार्थ प्रतंत्र। उदाहरणार्थ,
मैं अपने हाथों या पैरों के बिना भी रह सकता हूँ। यदि ये काट कर विच्छिन्न कर दिए जाएं, तो भी मैं जीवित रहूँगा। इसलिए मैं अपने हाथों और पैरों पर निर्भर नहीं हूँ। मेरे हाथ पैर मेरे अर्थात आत्मा के अधीन हैं, जो मेरे शरीर में हैं। शाश्वत कामनाओं के हेतु शरीर। डॉक्टर सिंह, किंतु क्या जीव और पदार्थ साथ ही साथ आते हैं? श्रील प्रभुपाद, नहीं, वे आते बिल्कुल नहीं। वे पहले से ही अस्तित्व में हैं। इनके आने की भावना हमारे मन में इसलिए बैठ गई है क्योंकि हम लोग सीमित संसार में रहते हैं। यहाँ हम प्रत्येक वस्तु का प्रारंभ देखते हैं, इसलिए हम लोग वस्तुओं के आने की बात सोचते हैं। किंतु पदार्थ एवं चेतना वस्तुतः पहले से ही अस्तित्व में है। मैं जब पैदा होता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरे जन्म से ही संसार का प्रारंभ हुआ है, किंतु संसार तो पहले से ही विद्यमान है। दूसरा उदाहरण अग्नि का है। जब आप अग्नि जलाते हैं तो क्या उसके कुछ समय बाद से गर्मी और प्रकाश का प्रारंभ होता है? नहीं, जब कभी अग्नि प्रज्वलित की जाती है तत्काल वहाँ प्रकाश और गर्मी प्रकट होते हैं। किंतु मान लो कि मैं सोचता हूँ अब अग्नि जल गई है, किंतु प्रकाश और उष्णता आने के लिए मुझे कुछ देर तक प्रतीक्षा करनी होगी, क्या यह मूर्खता नहीं है? डॉक्टर सिंह, किंतु अग्नि ही प्रकाश और उष्णता का स्रोत है। श्रील प्रभुपाद, हाँ, किंतु उष्णता और प्रकाश अग्नि के साथ ही साथ रहते हैं। उसी प्रकार शाश्वत जीवात्माएं विभिन्न प्रकार की अनेक शाश्वत कामनाएं रखती हैं, और सभी प्रकार की योनियां भी उक्त कामनाओं के अनुरूप शाश्वत तौर पर विद्यमान रहती हैं। डॉक्टर सिंह, और क्या जीवात्माएं विभिन्न शरीरों से उन्हीं कामनाओं के अनुरूप रहने के लिए बाध्य की जाती हैं? श्रील प्रभुपाद, हाँ, उदाहरण के लिए सरकार एक बंदी गृह का निर्माण करती है क्योंकि उसे ज्ञात है कि समाज में अपराधी व्यक्ति होंगे। अतः जब किसी अपराधी पर मुकदमा चलता है और उसे दंड दिया जाता है, तब उसके लिए जेल खाना निर्णय के समय से पहले से ही बना रहता है। उसी प्रकार ईश्वर को सर्वज्ञ कहा गया है। वह सब कुछ जानता है। उसे यह भी ज्ञात है कि कतिपय जीवात्माएं अपराधी वृत्ति धारण करेंगी एवं उसके विधान के विरुद्ध विद्रोह करेंगी। वह यह भी जानता है कि जीवात्माएं भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार इस भौतिक जगत में कौन कौन सी इच्छाएं ग्रहण करती हैं। इसलिए प्रारंभ से ही वह सभी प्रकार की योनियों का निर्माण करता है ताकि वे बद्ध आत्माओं को स्थान दे सके। भौतिक प्रकृति के तीन गुण हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन्हीं तीन गुणों के आधार पर भौतिक जगत की सभी विभिन्न वस्तुएं बनाई गई हैं। जैसे कोई तीन प्रारंभिक रंगों नीले, लाल और पीले को मिलाकर लाखों रंग बना सकता है। इस व्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक निपुणता प्रकृति में विद्यमान है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः। संपूर्ण कर्म भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं और ये गुण विभिन्न प्रकार की योनियों से प्रकट किए गए हैं, जिसमें पौधे, वृक्ष, जल जंतु, मनुष्य, देवी देवता, बिल्ली, कुत्ते और अनेक अन्य सम्मिलित हैं और जिनकी कुल संख्या 84 लाख है। श्री भगवान प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में अपना विस्तार करते हैं। यह परमात्मा भौतिक शरीर में रहते हुए भी भौतिक नहीं है। यद्यपि वे भौतिक शरीर के मूल कारण हैं, क्योंकि गर्मी और प्रकाश ये दोनों सूर्य की शक्तियां हैं, किंतु सूर्य अपने आप को कभी अत्यधिक गर्म अनुभव नहीं करता। इसी प्रकार परमात्मा के लिए आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियों के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये दोनों भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ उन्हीं के भीतर से निकलती हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि बादल सूर्य को ढक लेते हैं, किंतु वास्तव में वह हमारी अपूर्णता है। हम लोग इस ग्रह पर सूर्य के प्रकाश का और बादल के छा जाने का, यह दोनों का अनुभव करते हैं, किंतु सूर्य पर केवल सूर्य के प्रकाश का ही अनुभव होता है, चाहे सूर्य पर यह बादलों का निर्माण कर सकता है।
उसी प्रकार पदार्थ और चेतना का बंटवारा हमारा अनुभव है, श्री भगवान का नहीं। चाहे वे तथाकथित भौतिक शरीर में अवतरित हों अथवा आध्यात्मिक शरीर में, वे सदैव आध्यात्मिक ही बने रहते हैं। उनके लिए पदार्थ और चेतना एक ही हैं, क्योंकि वे शक्ति संपन्न हैं। वे पदार्थ को चेतन शक्ति में और चेतन शक्ति को पदार्थ में परिवर्तित कर सकते हैं। H2O प्लस यौगिक शक्ति। डॉक्टर सिंह, रसायन शास्त्री और वैज्ञानिक सोचते हैं कि कुछ तत्व आत्मा के भौतिक जगत में रहने के लिए सहायक बनते हैं। उनका कहना है कि ये तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वे मुख्य तत्व जो मिलकर जीव की उत्पत्ति करते हैं। मैं सोचता हूँ कि वेद हमें सिखाते हैं कि जीव के विकसित होने के लिए चेतन शक्ति को पहले से अस्तित्व में रहने वाले इन रासायनिक तत्वों में प्रवेश करना होता है। क्या यह ठीक है? श्रील प्रभुपाद, हाँ। उदाहरणार्थ, पृथ्वी उन सभी आवश्यक तत्वों को अपने भीतर संजोकर रखती है जो एक पौधे के उगने के लिए आवश्यक हैं। किंतु सर्वप्रथम आपको बीज धरती में बोना होगा। इसी प्रकार एक माँ के गर्भाशय में दूसरा शरीर बनाने हेतु सभी आवश्यक तत्व तैयार हैं, किंतु पिता को सर्वप्रथम उसमें बीज डालना होता है, तभी बच्चा विकसित होता है। कुत्ता एक कुत्ते का शरीर बनाता है और मनुष्य एक मनुष्य का शरीर बनाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सभी आवश्यक तत्व क्रमशः वहाँ विद्यमान हैं। हम अपने शरीर में एक निश्चित मात्रा में रसायन पाते हैं, चींटी के शरीर में उससे कम मात्रा में और हाथी के शरीर में उससे अधिक मात्रा में। अतः मैं यदि चींटी की अपेक्षा अधिक रसायन पैदा करता हूँ और हाथी मेरी अपेक्षा अधिक रसायन पैदा कर सके, तब जरा विचार करें कि ईश्वर कितने अधिक रसायनों को बना सकते हैं। यही आधार है जिसके बल पर वैज्ञानिकों को सोचना चाहिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी बनाने के लिए कैसे मिलते हैं। अथवा वे लोग इस बात का पता नहीं लगा सकते कि सागर को बनाने हेतु विपुल मात्रा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भंडार कहाँ से आया। किंतु हम लोग पता लगा सकते हैं, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विराट रूप में विद्यमान है, अर्थात श्री भगवान के विराट रूप में उनका अस्तित्व है। वैज्ञानिक इस सीधे साधे सत्य को क्यों नहीं समझते? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से सागर में पानी बनता है। हम दोनों इस तथ्य को स्वीकार करते हैं, किंतु वैज्ञानिक यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इस विपुल भंडार का मूल स्रोत अचिंत्य शक्ति है, अर्थात श्री भगवान की अचिंत्य रहस्यमयी शक्ति। जीवन की परिभाषा। डॉक्टर सिंह, जीवित और मृत की परिभाषा के संबंध में वैज्ञानिक समुदाय में मैंने एक असहमति देखी है। कुछ लोगों का कहना है कि यदि कोई पुनरुत्पादन कर सकता है तो वह जीवित है, इसलिए उनका दावा है कि उन्होंने जीव की उत्पत्ति की है, क्योंकि प्रयोगशाला में विनिर्मित कतिपय बड़े DNA अणु पुनरावर्ती कर सकते हैं। अर्थात वे अपनी शक्ति के बल पर अनेक अणुओं की श्रृंखला खड़ी कर सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये DNA अणु जीवित हैं और दूसरे कहते हैं कि ये जीवित नहीं हैं। श्रील प्रभुपाद, चूंकि कुछ लोग एक बात कहते हैं और दूसरे लोग दूसरी बात कहते हैं, इसलिए उनका ज्ञान अवश्य ही अपूर्ण होगा। डॉक्टर सिंह, क्या हम लोग जीवित की परिभाषा चेतनायुक्त और मृत की परिभाषा चेतना रहित कर सकते हैं? श्रील प्रभुपाद, हाँ, यही अंतर है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, अविनाशी तु तद विधि येन सर्वम इदम ततम। जो सारे शरीर में व्याप्त है वह अविनाशी है। कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि सारे जीवित शरीर में फैला हुआ यह चेतना है। मृत्यु के समय हमारी चेतना के अनुसार हमें एक विशेष आकार का शरीर प्रदान किया जाता है। यदि आपके भीतर कुत्ते की चेतना है तो आपको कुत्ते का शरीर मिलेगा, और यदि आप में ईश्वर संबंधी चेतना है तो आपको देह शरीर प्राप्त होगा।
भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता देते हैं कि वह जिस प्रकार का शरीर चाहे चुन ले। यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूते जा यान्ति मध्यजिनो अपिमाम। अर्थात देवताओं को पूजने वाले देवताओं का शरीर प्राप्त करते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। डार्विन का तिरस्कार। डॉक्टर सिंह, यदि मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती तो क्या उसे पुनः मानव शरीर पाने से पूर्व सभी 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है? श्रील प्रभुपाद, नहीं, प्रकृति के नियमानुसार जीवन की निम्न योनियों में ही जीवात्मा सीढ़ी प्रति सीढ़ी प्रगति करती है। मनुष्य की योनि में जीव को विवेकपूर्ण उन्नत चेतना मिली होती है, अतः यदि वह व्यक्ति चेतना के स्तर पर उन्नत है तो वह कुत्ते या बिल्ली का शरीर नहीं पाएगा, उसे दूसरा मानव शरीर मिलेगा। प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाह शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। योग भ्रष्ट शब्द एक ऐसे व्यक्ति की ओर संकेत करता है जो योग का अभ्यास कर रहा था किंतु किसी कारणवश उसे पूर्ण सफलता नहीं मिली। यहाँ क्रमिक विकास का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, उसे पुनः मानव शरीर प्राप्त होता है, वह कुत्ते या बिल्ली का शरीर नहीं पाता। जैसा कि हम कमरे के बारे में चर्चा कर रहे थे कि यदि आप अधिक पैसा चुका सकते हैं तो आपको बेहतर कमरा रहने को मिल जाएगा, आपको पहले निम्न स्तर के कमरे में नहीं रहना पड़ेगा। डॉक्टर सिंह, आप जो कुछ कह रहे हैं वे डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध है। श्रील प्रभुपाद, डार्विन एक दुष्ट है, उसका सिद्धांत क्या है? हम डार्विन के दर्शन को ठुकरा देते हैं। जितना ही हम डार्विन के सिद्धांत को ठुकराते हैं उतना ही हम आध्यात्मिक चेतना के क्षेत्र में उन्नत होते हैं। डॉक्टर सिंह, अनेक वैज्ञानिक डार्विन के सिद्धांतों पर शंका करते हैं किंतु डार्विन के समर्थक कहते हैं कि जीवन पदार्थ से निकला और उसका एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव में विकास हुआ। उनका विश्वास है कि सृष्टि के प्रारंभ में उच्च कोटि की योनियां जैसे पशु और मनुष्य योनियां नहीं थी। श्रील प्रभुपाद, डार्विन और उसके अनुयायी दुष्ट हैं। यदि सृष्टि के प्रारंभ में उच्च कोटि की योनियां नहीं थी तो आज वे कैसे अस्तित्व में हैं और निम्न श्रेणी की योनियां आज भी क्यों विद्यमान हैं? उदाहरण के लिए आज हम दोनों को देखते हैं, बुद्धिमान मनुष्य और मूर्ख गधा, ये दोनों जीवात्माएं क्यों एक साथ ही विद्यमान हैं? गधे की योनि का उच्च श्रेणी में क्रमिक विकास होकर लोप क्यों नहीं हो गया? हम लोग किसी बंदर को मनुष्य का बच्चा पैदा करते हुए कभी क्यों नहीं देखते हैं? डार्विन वाद का यह सिद्धांत मूर्खतापूर्ण है कि मनुष्य जीवन अमुक अमुक युग में प्रारंभ हुआ। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि आप सीधे ही अपनी इच्छानुसार तथा अपने प्रयासों से किसी भी योनि में जा सकते हैं। कभी मैं अमेरिका की यात्रा करता हूँ, कभी ऑस्ट्रेलिया की और कभी अफ्रीका की। ये देश पहले से ही अस्तित्व में हैं, मैं केवल उनकी यात्रा करता हूँ। ऐसा नहीं है कि चूंकि मैं यहाँ आया हूँ इसलिए मैंने अमेरिका का निर्माण किया है अथवा मैं ही अमेरिका बन गया हूँ, और अभी बहुत से देश हैं जिनको मैंने देखा ही नहीं है। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे अस्तित्व में नहीं हैं? जो वैज्ञानिक डार्विन का समर्थन करते हैं वे अज्ञानी हैं। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि सभी योनियां एक साथ ही अस्तित्व में रहती हैं और जिस योनि में जन्म लेने की आपकी इच्छा हो उसमें आप जा सकते हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप ऊपर श्री भगवान के वैकुंठ धाम भी जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा यह सब श्रीमद् भगवद गीता में घोषित किया है।